बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी स्थान टिप्स एंड रिव्यूज़। टुडे आई एम शोइंग यू डर्मा को स्पेशल किट रिव्यूज़। बिफोर वाचिंग माय वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। वन बाय वन हम इन प्रोडक्ट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास मौजूद है जी क्लिंजर। डर्मा कोस का ही ये क्लिंजर है। अपने फेस पे क्लिंजर को यूज़ करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। जो डेड स्किन है वो अच्छे से फेस से उतर जाएगी, आपका फेस अच्छे से क्लीन हो जाएगा। क्लीन जब आपका फेस, इससे आप अच्छे से आप अपना फेस क्लीन कर लें, उसके बाद आप पॉलिशर यूज़ करेंगे। पॉलिशर यूज़ जो लोग नहीं करना चाहते वो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, और जो लोग यूज़ करना चाहते हैं वो फेशियल ब्लोंड ब्राइटनर और दूसरा मेरे पास मौजूद है फेशियल ब्लोंड एक्टिवेटर। इन दोनों को जितनी क्वांटिटी आपको ज़रूरत हो उतना लें, और उसके अंदर एक डर्मा कोस का ये सीरम मिलता है, ये भी आपको इजीली मिल जाएगा। ये आप इसमें ऐड करेंगे और उसके बाद आप स्किन शाइनर, मेरे पास ये सॉफ्ट टच कंपनी का है, आप कोई सा भी ले सकते हैं, और इसके अंदर स्किन शाइनर अच्छे रिजल्ट के लिए स्किन शाइनर भी आप यूज़ करेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स करके 15 मिनट के लिए अब अपने फेस पे अप्लाई करेंगे, उसके बाद अपना फेस वॉश कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है जी ग्रे लोशन। आफ्टर ब्लीच हम ग्रे लोशन फेस पे यूज़ करेंगे। ग्रे लोशन को यूज़ बहुत ज़्यादा आपने इसका मसाज नहीं करना, जस्ट 1 से 2 मिनट आपने इसका हल्का सा मसाज करना है, और उसके बाद आपने इसको छोड़ देना है। और बहुत ज़्यादा आपने फेस वॉश नहीं करना, हल्का सा कॉटन की मदद से अपने फेस को रिमूव कर लेना है। देन हम यूज़ करेंगे स्क्रब। स्क्रब जी ये गावास मेरे पास स्क्रब है, इसको आपने अपने फेस पे अप्लाई करना है। तकरीबन आप इसको 3 से 4 मिनट के लिए स्क्रब करेंगे, और बहुत ज़्यादा आपने सख्त हाथों से मसाज नहीं करना है, बिल्कुल सॉफ्ट अपने हाथ रखने हैं। और जब आपको लगे कि आपका फेस ड्राई हो रहा है, आपने पानी का यूज़ करना है और अपने फेस पे पानी लगाना है, और उसकी मदद से आपने इसको स्क्रब करना है। जब आप अच्छे से अपना फेस को स्क्रब कर लें, देन आपने अपना फेस को क्लीन कर लेना है, उसके बाद आपने यूज़ करना है ग्रे क्रीम, इसको मसाज क्रीम भी बोलते हैं। अपने फेस को मसाज करेंगे, और याद रखिए जब आप अपने फेस पे ये ग्रे क्रीम या मसाज क्रीम यूज़ करें तो उस वक्त आपने पानी का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना, क्योंकि जब आप पानी का इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये ग्रे क्रीम लगाने का मसाज करने का कोई फ़ायदा नहीं रहता। इसलिए प्लीज़ माइंड में रखिएगा, जब भी आप ये क्रीम यूज़ करें, मसाज क्रीम यूज़ करें, आपने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। और ये जब भी आप ये फेशियल का ये सॉरी स्क्रब करें, यूज़ करें, देन आप इसके साथ थोड़ा सा टोनर ले सकती हैं, पानी की जगह आप टोनर इस्तेमाल कर सकती हैं। टोनर इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। पानी भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन आप टोनर भी यूज़ कर सकती हैं। देन लास्ट में आपने क्या करना है, आपके पास ये क्ले मास्क है, मड मास्क जो भी कहें इसके, आप अपने फेस पे ये अप्लाई करेंगे 20 मिनट के लिए। जब तक ये आपके फेस पे अच्छे से ड्राई ना हो आप इसको रिमूव मत करिए। अच्छे से जब आपका फेस नीट और ड्राई हो जाए, देन आप अपना फेस वॉश कर लीजिए, और टोनर उसके ऊपर, अपने फेस के ऊपर टोनर लगा लीजिए। और याद रखिए, जब आप ये सारा प्रोसीजर कर लें, उसके बाद आपने अपने फेस के ऊपर कोई भी केमिकल वाली कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं करनी, फेस वॉश साबुन वगैरह यूज़ नहीं करना। और थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने मेरे पास ये, यू कैन सी मेरे पास ये गुलाब अर्क है, आप अपने फेस पे ये स्प्रे कर सकते हैं अपने फेस पे। जब आप फेशियल करें 24 आवर्स तक आपने इसके ऊपर कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करनी। आप देखेंगे इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा, और मोस्टली गर्मियों के लिए तो ये डर्मा कोस का फेशियल बहुत ही कूलिंग इफेक्ट देता है। और आप यूज़ करके देखेंगे, आपको खुद एक कूलिंग सा इफेक्ट आपको अपने फेस पे फील होगा। उसके बाद आपने अपने फेस को रिलैक्स देना है, और कोई भी इधर उधर की या कोई भी किस्म की वाइटनिंग क्रीम या कुछ भी लगाते हैं वो फ़िलहाल आपने यूज़ 24 आवर्स तक आपने यूज़ नहीं करनी। 1-2 दिन जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे आपको इसका मज़ीद अच्छा रिज़ल्ट मिलता जाएगा। ये इसका जो ये इसको ब्लीच भी बोल सकते हैं, इसका आप सिर्फ ये सिंपली भी यूज़ करें, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। ये जो पाउडर है आपने बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में यूज़ नहीं करना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा पाउडर यूज़ कर लेते हैं, वो ये समझते हैं कि ये पाउडर लगाने से स्किन वाइट हो जाएगी, रंगत गोरी हो जाएगी, तो ये एक मिसकंसेप्ट है। ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि आपके जो फेस, सिर्फ आपके जो फेस पे जो बाल होते हैं उनको ये ब्राउन कर देता है, और जब फेस बहुत ज़्यादा ब्राउन होते हैं तो लीव में स्किन अच्छी नहीं लगती।
सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट के ज़रिए बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। इफ़ यू वांट मोर इंटरेस्टिंग वीडियो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।